पल से समय उस मचा हार न जाए पानी क्या, और यदि उठानी जोर नहीं तो जगती हुई जवानी क्या। वही भी यह मर्म में पहला नाम आ गए हो, और वही वीर है बलवेदी पर अदानी गुजरात अदानी मेडिकल इंस्टीट्यूट के सभी प्राध्यापक गण को दिल से सलाम करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं नेशनल मेडिकोज यूनिट की भुज की कॉलेज यूनिट और सहर यूनिट उन दोनों को। धन्यवाद डॉक्टर रुदारी साहब, डॉक्टर जडेजा साहब और उनकी संपूर्ण टीम का, क्योंकि मात्र 3 वर्षों के अंदर एनएमओ भुज की काया पलट इन दोनों महानुभावों ने कर दी। और मित्रों आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के अंदर जो सक्रिय यूनिट्स की गणना होती है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम बड़े गर्व के साथ और अंडिम पंक्ति में लिया जाता है। मित्रों धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आज फिर एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आइए हम कुछ बात करते हैं। मित्रों हम बात करने के लिए आज यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि एक तो हमें बातें करनी है अपने शहीदों के, दूसरा शायद हम बात करना चाहेंगे अपने उस मरे हुए जमीर के लिए जिसे जगाने की ख्वाहिश से लेकर कोई एक व्यक्ति दिल्ली से संघर्ष करता है, और शायद आज हम बात करना चाहेंगे अपने उन सिपाहियों की जिनके परिवार पर उनकी अनुपस्थिति में न जाने क्या क्या पूछता है। आइए देखें एक छोटी सी यात्रा पर हम और आप आगे चलते हैं। यदि बीच में बोलियत लगे तो कृपया मुस्कुरा के मुझे बता देना, मैं वही पर। तो मित्रों आप सबको 23 मार्च शहीद दिन, दुर्भाग्य से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी 24 तारीख को मुकर्रर की गई थी। लेकिन मित्रों मैं आपको यदि पुराना काल बताना चाहूं तो हमारे देश को आजादी सन 1857 में मिल गई होती जब मंगल पांडे गर्जा था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है हम आज से नहीं हम पौराणिक काल से हिस्सों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में। हमने कभी एक होकर शासन नहीं किया, हमने कभी एक होकर जीतना नहीं चाहा, हमने कभी एक होकर रणभेरी का सुर बजाना नहीं सीखा, और उसी का कारण था कि चंद मुट्ठी भर लोग बाहर से हमारे देश पर आए और हमारे ही लोगों के द्वारा हम पर शासन कर गए। मित्रों हमारे जो देशवासी मरे, हमारे जो क्रांतिकारी मरे, हमारे जो लोग शहीद हुए, वो अंग्रेजी की गोली से नहीं मरे, वो हमारे अपने लोगों की गोलियों से मरे। कारण सिर्फ एक था कि उसकी पगड़ी मेरी पगड़ी से सफेद थी। ईर्ष्या का भाव आज से नहीं हम पीढ़ियों से लेकर अपने अंदर चल रहे हैं। इसी कारण मराठा सैनिक, मराठा साम्राज्य और मराठा सरदार भी जब एकत्र होने की कोशिश करने लगे तब उनके बीच में भी अहम भाव आने लगा। तब उन्होंने भी कहा कि छत्रपति शिवाजी कौन ऐसा अकेला आदमी होता है जो पूरे भारत देश का संचालन करेगा, और उसी कारण जो स्वतंत्रता हमें बहुत पहले सन 1857 में परोस दी जानी चाहिए थी, वह स्वतंत्रता हमें मिली और इतनी बुरी हालत में मिली सन 1947 के, न सिर्फ हमारे देश के टुकड़े हुए वरन एक बीमारू राज्य, एक बीमारू राष्ट्र हमें मिला जिसके स्वास्थ्य की परिकल्पना हम और आप मिलकर अभी भी कर रहे हैं। मित्रों एक प्रश्न था, सर शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा किस कारण से? आप लोगों ने सबने लिखा होगा असेंबली ब्लास्ट केस। आपको बता दूं कि बहुत पहले सरदार भगत सिंह ने सुखदेव के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या,
स्वर्णास की हत्या करने के बाद जब वह क्रांति सेना में शामिल हो गए तो उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद के पास गए कि मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूं। माननीय चंद्रशेखर आजाद ने उसकी तरफ देखा, 20 साल का बाका छबीला जवान जिसके दिल में हसरते न जाने कितना ही जवान या अटपेरिया खेल रही होगी और उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देख रहे थे, इस बच्चे की शादी करा दो बड़ा होगा बिगड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने उससे पूछा कि क्या तुम क्या सोचकर मेरे पास आए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आजादी में हमारे साथ लड़ पाओगे, क्या जब अंग्रेज तुम्हारे शरीर पर कोड़े बरसाएंगे क्या तुम उन्हें सहन कर पाओगे, क्या बर्फीली छातियों में तुम्हें काफी दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, क्या तुम उसे सहन कर पाओगे। जब ये प्रश्न उससे पूछे गया उसका खून खौल उठा। मित्रों, जलते हुए लौ के ऊपर उसने अपना हाथ रखा और 5 मिनट तक तब तक रखा जब तक कि स्किन सबकुटेनियस टिश्यू मसल तक बर्न नहीं हो गया, और यह हुआ क्षण था जब चंद्रशेखर आजाद ने उसका हाथ उस लौ से हटाया और हटाने के बाद बोला, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी मां जो तुम्हारे लिए लड़की को पसंद कर रही है उस लड़की का क्या होगा और तुम्हारी मां का क्या होगा। तब सरदार भगत सिंह ने यह जवाब दिया था कि मैं बहुत पहले अपना ब्याह इंकलाब के साथ करना चाह चुका हूं, मैं और कोई दूसरा ब्याह कर नहीं सकता, मेरी दुल्हन इंकलाब है और मेरी मां नहीं चाहेगी कि मैं दूसरी शादी करूं। और मित्रों, यह वह जिसे सुनकर चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें सहर्ष अपने दल में शामिल किया। जितनी भी बात कर रहा हूं मित्रों, कोई भी नई बात नहीं, सब आपकी सभी। आपने यह भी सुना होगा कि जब भगत सिंह छोटे से थे, खेतों में अठिया करते थे, एक पेड़ उगाने लगे, पिताजी ने बोला ये क्या कर रहे हो, उनने कहा मैं बंदूक की खेती कर रहा हूं, इससे बंदूक उगेगी और उन बंदूकों के साथ मैं अपने मित्रों की एक सेना बनाऊंगा और उस सेना को बनाकर मैं अंग्रेजों के सामने लड़ने की बात। ये था उनका जज्बा। मित्रों, मैं बात से कुछ भटक गया, मैं आपसे बात कर रहा था उसको फांसी की सजा क्यों दी गई। मित्रों, जब सौंदर्स की हत्या की, सौंदर्स की हत्या करने के बाद पकड़ में आने वाले तो पकड़ में आए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ सम्मिलित हुए, उसके बाद न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि हमारे देश का जो युवा पानस है वह सो रहा है और उनको लगा जब तक एक एक व्यक्ति नहीं जगेगा तब तक अंग्रेज उनको आजादी पुरस्कार देने वाले नहीं है, क्योंकि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वह भारत देश था मेरा। उस समय उनको लूटना था, उस समय हमको खसोटना था और सब ब्रिटेन में ले जाकर उन्हें अपनी कायम करने, अंग्रेज हमें पहुंचने वाले नहीं थे। एक तरफ हमारे ही देश के कुछ लोग उदारवादी नीतियों के साथ बंद कमरों में अंग्रेजों के साथ मीटिंग कर रहे थे और अंग्रेजों को लगता था ये तो बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, बैठो बात करो चाय पिलाओ तारीफ करो काम करना। और उसी के सामने एक ये दूसरा दल खड़ा हुआ जिसे हम उग्रवादी दल कहते थे और यह उग्रवादी दल ऐसे काम करता था जिससे अंग्रेजों की नानी आ रहा थी। तो मित्रों, जब भगत सिंह ने यह देखा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, युवाओं को जगाना पड़ेगा, तो उसने भारत देश के सोए हुए युवाओं को जगाने के लिए एक प्लान बनाया कि किसी भी देश की या किसी भी शासन की सर्वोच्च सत्ता होती है संसद। उनने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, श्रीमान दत्त साहब थे, उनके साथ मिलकर बम बनाए, असेंबली में पहुंच गए, असेंबली की दर्शन निगरा से हुआ, असेंबली की कार्यवाही देख रहे थे और उन्होंने देखते हुए जगह चयन की कि बम कहां फेंकना। मित्रों, उनका कोई मारने का इरादा नहीं था, कोई हिंसा का इरादा नहीं था, उनने पूरे हाल में असेंबली में खाली जगह का चुनाव किया और वह जो बम उनने बनाए थे उनमें विशेष ख्याल यह रखा था कि उन बम के अंदर बारूद कम हो और धमाका ज्यादा, यानी नुकसान करने की कोई मंशा नहीं। इसके बाद चालू असेंबली में खाली जगह पर पहला बम फेंका गया, जोरदार धमाका, नुकसान कुछ नहीं हुआ,
कोई आहत नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। उसके दो मिनट के बाद दूसरा धड़ाका हुआ, सब निकल गए, भाग दौड़ हो गई। चाहते तो भगत सिंह और श्रीमान दत्त साहब वहां से भाग सकते, पूरा मौका था, क्योंकि हड़बड़ी मची हुई थी। नहीं, उन्हें संदेश देना था, उन्हें युवाओं को जगाना था। वे वही खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे गाते रहे। सामने से आकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इस गिरफ्तारी के साथ उन्हें जेल भेजा गया। मित्रों, उसके बाद लाजमी है कि उनके ऊपर केस चला, उनके ऊपर केस चला, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और केस को जानबूझकर लंबा खींचा उन्होंने, क्योंकि वे चाहते थे कि इस केस की रिपोर्टिंग मीडिया में हो, मीडिया में बार बार यह संदेश जाए कि भगत सिंह क्या कह रहे हैं, ताकि लोग जगे, लोग उठे और आगे बढ़े। और मित्रों, यही हुआ, घर घर में सभी भगत सिंह की बात होने लगी, न केवल बाहर बल्कि संपूर्ण विश्व में शहीद भगत सिंह के कारनामे गूंजने लगे। और धीरे धीरे वक्त ऐसा आया कि अंग्रेज सरकार को भी ऐसा लगने लगा कि शायद उनसे कुछ गड़बड़ हो गई। अब तो बात यहां तक आई कि अब अंग्रेजों को लगने लगा कि यदि इसको फांसी दे दी गई तो पूरे भारत देश में झगड़ा उत्पन्न हो जाएगी और लोग लड़कर किसी भी हालत में हमसे स्वतंत्रता ले लेंगे। उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी को समझाया कि आप सरदार भगत सिंह को कहो कि वो हमसे माफी मांग ले, हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको छोड़ दें। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूं। गांधी जी ने टेलीग्राम लिखा भारत देश में, उनके कोई व्यक्ति गए सरदार भगत सिंह से जाकर बात करके आए। सरदार भगत सिंह ने और उस व्यक्ति ने भी गांधी जी को यह कहा कि नहीं, किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई गलती नहीं की, यह हिंसा का रास्ता था ही नहीं, और यदि फांसी पे चढ़ाना है तो हम हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे देश के युवाओं को चढ़ाने का। और भगत सिंह ने कहा यदि आप मुझे पागल समझते हो तो बस बिल्कुल समझिए, क्योंकि इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही लक्ष्य हैं। और यह जवाब था आदरणीय भगत सिंह। केस चला और केस के बाद बिल्कुल जैसा आप सबने सोचा, तीनों को एक साथ फांसी की सजा दे दी। सजा की तारीख मुकर्रर की गई 24 मार्च प्रातः यानी सुबह 7 बजे। लेकिन क्या हुआ आप सभी को मालूम है, ऐसा जोरदार भूचाल आया संपूर्ण भारत देश में कि युवाओं गली गली से निकलकर मैदान में आने लगे, बाहर आने लगे, रोज सभाएं होने लगी, रोज जलसे होने लगे, भगत सिंह को छुड़ाने की बातें होने लगी। दो बार तो ऐसा हुआ कि भगत सिंह को छुड़ाकर भगाकर ले जाएंगे, लेकिन भगत सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि यदि एक मैं जाऊंगा तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे और यह देश क्रांति के मार्ग पर आगे चलेगा। भगत सिंह मौका मिलने के बावजूद भी नहीं भागे। अंग्रेजों को पता चला कि अब यदि 24 तारीख को हम इन्हें फांसी देते हैं तो उनके परिजन आके उनका शव मांगेंगे, शव को अपने कंधे पर लेकर पूरे शहर में परिक्रमा करेंगे और उसके बाद क्रांति की वो ज्वाला धधकेगी जिसे बुझाना उनके बस में नहीं है। मित्रों, उसी डर से रातों रात संदेश ऑर्डर्स लिए गए और ऑर्डर्स लेने के बाद अंग्रेजों ने वो किया जो वो कभी नहीं करते। 23 मार्च की शाम को 7 बजे भगत सिंह जी से कहा जाता है कि आपकी फांसी की सजा 11 घंटे पहले थी। भगत सिंह जी गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, उनको इस बात का दुख नहीं था कि आप मेरी जिंदगी के 11 घंटे कम कर रहे हैं, उनको इस बात का दुख था कि वह एक पुस्तक पढ़ रहे थे जिसका नाम था द डिवोशनली लिसन लर्निंग, और वह पुस्तक उनकी 11 घंटे के पहले खत्म होने वाली नहीं थी। उन्हें बहुत दुख था कि एक क्रांतिकारी थी, दूसरी क्रांतिकारी के साथ कम से कम एक मुलाकात तो होने दो, एक बात तो होने दो,
जरिया है इन बातों का, उन बातों को अब समय में जरूर बदलने दो। सच है विपत्ति जब आती है काया को ही दहलाती है, विपत्ति जब भी आती है काया को ही दहलाती है। सूरमा विचलित नहीं होते, जब एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। उन्होंने 15 मिनट की मांग की कि कृपया मुझे 15 मिनट दे दो, ये चैप्टर पूरा करो। उन्होंने वो चैप्टर पूरा किया, हंसते हंसते नहाए, जल की कोठी से साथ निकले। एक बीच में शहीद आजम, एक तरफ राजगुरु और तीसरी तरफ सुखदेव, और फिर वही मेरा रंग दे बसंती चोला। गाते गाते वह जेल के गलियारों से आगे निकले, उस जगह पर पहुंचे जहां पर उसे फांसी दी जाने वाली थी। वहां पर एक सरदार जी थे, नाम मैं भूल गया हूं, उनने कहा कि कम से कम वाहेगुरु को याद कर लो। आपका एक प्रश्न था कि आखिरी नोट क्या, आखिरी नोट यही था कि मैं नास्तिक हूं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। इसके बाद जल्लाद के पास पहुंचे, आखिरी इच्छा पूछी गई उनसे, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मरने के बाद यदि मेरा पुनर्जन्म होता है तो मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो और इस देश का सेवा करने का मुझे एक और मौका मिले। मित्रों मैं तो कहता हूं यदि मोहब्बत हो तो ऐसी ही, इसीलिए कहते हैं इसी माहौल को शायद मोहब्बत नाम कहते हैं, जो बड़ा खामोश होती है नजर से काम होता है। बाद परवाने की मैयत भी नहीं उड़ती, गुनहगारे मोहब्बत का यही अंजाम होता है। ये क्या इंसाफ है या रब, गुनाह करे भले कोई, सदियों से यही होता चला आया है दुनिया में, जो बदनामी से डरता है वही बदनाम होता है, वही बदनाम होता है। तो मित्रों सिर्फ दो पैसे और दो शब्द थे आखिरी उनके, एक थे इंकलाब जिंदाबाद और एक थे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और साम्राज्यवाद को मुर्दाबाद कहते कहते काला नकाब जो कि जल्लाद लेके आया उसने उसके हाथ से लेकर खुद अपने सिर पे ढक लिया। पिक्चरों में गलत दिखाया गया, आप देखिएगा रंग दे बसंती, पिक्चर में दिखाया कि जल्लाद उसके सिर के ऊपर नकाब डाला, वास्तविकता यह थी कि शहीद भगत सिंह ने उसके हाथ से हंसते हंसते नकाब ले लिया था और कहा था कि तेरे हाथ कांपेंगे मुझे नकाब पहनाने में, ला यह नकाब मैं खुद ओढ़ू, क्योंकि जल्लाद भी भारतीय था और वक्त भी भारतीय। शहीद यादव ने नकाब खोल लिया, नकाब खुद पहना, यदि माछड़ा देखा हो आपने फांसी का तो एक ही माचड़े पे एक साथ 3 रस्सियां लटकाई गई थी, उस रस्सी को जो उसके गले में पड़ने वाली थी, जो वरमाला नहीं थी अंतमाला थी, उसको उन्होंने चूमा और चूमने के बाद रस्सी की वह गोलाई भी उस बंदे ने खुद अपने गले में। मैं तो एक बात बता दूं आपको, आपको लगता है कि ये क्या है, लोगों को डर नहीं लगता, मैं आपको भी बता दूं यदि आपको भी कभी ऐसा मौका आएगा ना शायद आपको भी डर नहीं लगेगा। डर किसमें लगता पता है, डर लगता है मौत के इंतजार में, मौत से कोई डर नहीं है। इफ यू विल बिकम अ क्रिटिकल इल पेशेंट देन ऑल द टाइम लाइन डाउन इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, यू विल बी फीलिंग फॉर डेथ एंड डेथ एंड डेथ, एवरी मिनट यू डाई इन अ डे यू डाई फॉर द 300 times। वाई वंस यू नो that this is your last minute, the feeling goes away. It goes away like anything, you will be smiling because ant samay par ekdam se saahas ka putla jaa jata hai. Mitra aap dekhna aapka kabhi accident hoga, aapki haddi bhi tooti hogi, to sabse pehle adrenaline rush hoga, adrenaline rush hone ke baad aap tulat khade ho jayenge,
टूटी हड्डी के साथ भी, और पहली जगह पर आप जाकर खुद पहुंचेंगे। और जैसे ही कोई डॉक्टर आपका भाई भतीजा आपको मिलेगा, तब जाकर एड्रेनलिन बियर ऑफ होगा और फिर आपको नानी याद आएगी। उसके पहले कभी किसी को नानी याद नहीं आती। एंड द सेम हैपेंस विद द डेथ, मौत का इंतजार मौत से ज्यादा। और मित्रों, न सिर्फ रस्सी के फंदे को चूमा, वरन रस्सी के फंदे को पहना, और फिर जब उनने बोला हैंग, और उन्हें हैंग कर दिया। मित्रों, हैंग हो गए, डेथ हो गई, सर्टिफाइड हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, कि इसको बाहर ले जाएंगे फिर हंगामा हो जाएगा। पूरा नाटक ही इसी चीज का था, हंगामा नहीं होना चाहिए। मित्रों, छुपा क्या, ट्रक लाया गया, ट्रक में डेड बॉडी कोथरे में भर के डाल दी। कोथरे बताने खबर चले, हिंदी में बोरा बोलते हैं, बोरा। कोथरे में डेड बॉडी को डाला गया, और ड्राइवर हिंदू था, ड्राइवर को बताया नहीं गया पीछे क्या है। और उसके बाद गंतव्य स्थान की तरफ ले गए, हुसैनी नाला के पास कहीं जाकर वो उनकी और ट्रक उतरा, मिट्टी का तेल डाला गया, आग लगाई गई, भगवान जाने कहां चुप हो गई। गांव वालों को कुछ समझ में आया कुछ गड़बड़ हो रहा, वो दौड़ के आए। जैसे ही वो दौड़ के आए, लाश पूरी जली हुई नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली आधी जली आधी सही लाश को उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया गया। और उसके बाद मित्रों, ये बात छुपती नहीं है, जब बात गांव वालों को पता चली, उन्होंने कुछ अवशेष प्राप्त करने की कोशिश की, अवशेष प्राप्त किए गए, और फिर से अंतिम क्रिया जितनी इज्जत के साथ की जा सकती थी उतनी इज्जत के साथ करने की कोशिश की। लेकिन मित्रों, अंत उस आदमी का कैसे भी हुआ, लेकिन जाते जाते वह एक ऐसी ज्वाला जला के गया इस आदमी, जिसकी परिणति सन 1947 में। दुर्भाग्य हमारे देश का, इतिहास आज हम वह पढ़ते हैं जो लोग हमें पढ़ाना चाहते। माफ कीजिएगा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। मेरा डिस्क्लेमर यह है कि मैं किसी पार्टी से संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, मैं भविष्य में कभी कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, और मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं। लेकिन मित्रों, वह पार्टी या वह राजनीतिक दल जो सत्ता में आया, उस राजनीतिक दल ने पूरे इतिहास को पलट दिया। और जो हम किताबों में इतिहास पढ़ के आए हैं, वह इतिहास वास्तविकता से कुछ अलग ही इतिहास है। इसीलिए मित्रों, मुगल जो हमारे देश में आए, आज उसके नाम पर लोधी रोड, आज उसके नाम पर अकबर का वो, आज उसके नाम पर हुमायूं का वो, सब दिल्ली में विद्यमान है। और आज की तारीख में हम जाने अनजाने में उनका गुणगान करते हैं। हम उनका गुणगान करना चाहते हैं जो हमें दासत्व देना चाहते, हम उनका गुणगान नहीं कर रहे हैं जिन्हें हमें एक अच्छी जगह पर पहुंचाया, जिन्हें हमें लड़ना सिखाया, चलना सिखाया और पढ़ना सिखाया। उम्मीद करता हूं नास्तिक धर्म की भविष्यवाणी के बाद एक नए सूरज का उदय हुआ है हमारे देश में, और हो सकता है यदि बातें सही रही और यूं ही चलती रही तो हम बहुत जल्दी एक नए सूरज को देखेंगे। मित्रों, बात वर्तमान परिस्थिति की करना चाहता हूं, थोड़ा समय होगा ना, वर्तमान परिस्थिति की करना चाहता हूं कि ठीक है, हमारे ये तीन शहीद और न जाने कितने शहीद, आप देखने जाओ तो 380,000 शहीद जिन्होंने हमें देश में स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन अब क्या, अब आप चाहते हो कि स्वतंत्र भारत में आप रहो, मरीजों की सेवा करने की कोशिश करो और उसके ऊपर लाठियां खाओ, कि आप ये करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे मित्रों, तो बहुत जल्दी मेडिकल साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट और आने वाला है, और वह सब्जेक्ट होगा हाउ टू डील विथ पेशेंट, और दूसरा सब्जेक्ट आएगा हाउ टू डील विथ डोंट डायबिटीज। और मित्रों, जब तक ये दो सब्जेक्ट नहीं, जब तक ये दो सब्जेक्ट नहीं आएंगे, वह दिन दूर नहीं है जब आपको एक आर्मर अपनी बॉडी पे पहनना पड़ेगा, और तब जाके आप इमरजेंसी में अपना काम करते हैं। मित्रों,
किसी भी वाक्य की शुरुआत तब होती है जब डॉक्टर अपनी तरफ से गलत बिहेवियर करता है। गलत बिहेवियर का मतलब क्या होता है मित्रों? मैं भी मानता हूं आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, वह व्यक्ति भी इंसान है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हमेशा हालत बुरी होती है क्योंकि एक रेसिडेंट के ऊपर 16 पेशेंट एक साथ होते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप कितना भी जीभ के ऊपर शहद लगाते रहो सबको मीठा नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जो नया समाज आ रहा है, जो नई बातें आ रही है, वह समाज और वह बातें थिंग्स को अवॉइड कर देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वी चूज अवर पेशेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे पास वो चॉइस है, वी चूज अवर पेशेंट। लेकिन मित्रों सिर्फ एक सलाह दूंगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता कुछ मत करो। कम से कम मुंह से मीठा बोलो। यदि मुंह से मीठा बोलोगे तो विवाद नहीं होगा, और विवाद नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारे माँ बाप को दुख नहीं होगा कि मेरे बच्चे की एक आंच चली। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुम्हें यहां पर भेजा है उनने अपनी जिंदगी की समस्त पूंजी यहां पर भेजी है यह सोच कर कि मेरा बच्चा आएगा और मेरे नाम को रोशन करेगा। मित्रों अंत में कुछ पंक्तियां मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम भारत देश के निवासी हैं। हम मानते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा स्थान ऊपर कहीं होता है। हम सही देश सही दिन पर यहां पर मिले। आप सोच लो कि 1931 में शहीद भगत सिंह के आसपास कोई एक शहीद मरा या शरणागति को प्राप्त हुआ, और अब वर्तमान में वह ऊपर है अदानी मेडिकल कॉलेज में छांक रहा कि नीचे हमारे गुणगान किए जा रहे। अब वो ऊपर से बहुत कुछ बोलना चाहता है, पीछे से बार बार मेरे खोपड़ी में टिन 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 कर रहा है, और तब से बोल रहा मेरे को कि मेरी कुछ बात करो यार। तो मैं उसकी कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि उसकी जब मैं बात करूंगा तब कृपया अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आप बहुत बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी। वो व्यक्ति जो ऊपर से बार बार मुझे उंगली कर रहा है वो यह कह रहा है सही हूं मैं। ऐ मेरे देशवासियों, जब कभी आप खुलकर हंसोगे तो मेरे परिवार को याद कर लेना जो अब कभी नहीं हंसेंगे। जब आप शाम को अपने घर जाओगे और अपने अपनों को इंतजार करते हुए देखे तब मेरे परिवार को याद कर लेना जिनकी सूखी आंखें आज भी उन रास्तों पर पथराई हुई होगी जिस पर चलकर मैं कभी अपने घर बना। जब आप अपने परिवार के साथ खाना खाए तो मेरे परिवार को याद कर लेना जहां मेज पर रखी एक थाली आज भी एक निवाले का इंतजार कर रही होगी। जब आप अपने बच्चों के साथ खेले हंसी ठहाके लगाए तो मेरे परिवार को याद कर लेना मेरे बच्चों को अब कभी भी मेरी गोद नसीब नहीं होगी, मेरी गोद नसीब नहीं होगी। जब आप सुकून से सोए तो मेरे परिवार को याद कर लेना वो अब भी मेरे लिए जागते हैं और जाग जाग कर सोते हैं। मेरे देशवासियों शहीद हूं मैं, मुझे भी कभी याद कर लेना। आपका परिवार आज जिंदा है क्योंकि मैं भी हूं आज मैं शहीद हूं मैं, शहीद हूं मैं, शहीद हूं। मैं कुछ लाइनें लिख के आया था क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से होने वाली है जो कारगिल की युद्ध का एक परचम लहराया है,
और उस व्यक्ति के चरण में कुछ नजर करना चाहिए। सभी आप बड़े डिग्री के नाम पे 11th पास हो या कागजों के टुकड़ों में एमबीए की डिग्री, बैचलर डिग्री या किसी यूनिवर्सिटी की भले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको मिली, लेकिन दिल से कहता हूं मैं आपको कि आप हम सबसे ना कहीं थोड़ा सा ऊंचे, इतना ऊपर है, इतना ऊपर है कि दिल आपको नतमस्तक है। महफिल के नाम है, सरगम के रंग बिखरे हैं, महफिल के नाम है, रुख मोड़ दे हवा का जो ब्रिगेडियर बडोला वो इंसान है। मित्रों, भारत देश 50 से 60 लाख युवाओं का देश, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर युवा शक्ति इतनी संख्या में हो और इतनी मजबूत हो। इसीलिए हम बहुत जल्दी दुनिया के सिरमौर होने की तैयारी कर रहे हैं। और मित्रों, मैं सही बता रहा हूं, आई एम डॉक्टर बाय माय प्रोफेशन, आई एम ऑरेटर बाय माय चॉइस। मैं विभिन्न कॉलेजों में जाता रहता हूं, बहुत सारे लेक्चर्स लेना, बकबक करना मेरी आदत है, लेकिन जो शांति, जो सुकून और जितनी तन्मयता से आप मुझे सुन रहे हैं, हर जगह ऐसा माहौल हमें नहीं मिलता। इसलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको अर्पित करना चाहूंगा और इसके बाद आप ताली अपने घर के लिए बजाओगे, मेरे लिए। हिम्मतें होनी चाहिए, संसार बदल सकता है। हिम्मतें होनी चाहिए, संसार बदल सकता है। पाप को पुण्य में विश्वास बदल सकता है। तुम्हारे अंदर शक्ति है, उसे आजमा कर देख लो, ये जमी क्या है, आसमान बदल सकता है। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। वहां के बच्चे को भी कोई पढ़ाता नहीं है, खुद पढ़ते हैं। और यहां तो तुम लोग लकी हो कि तुम्हारी लगातार क्लासेस होगी। मुझे पता है कई बार बैकडोर से मैं पता करने की कोशिश करता हूं, मैं बहुत सारा अकेडमिक इंटरेस्ट रखता हूं। अनफॉर्चुनेटली मैं गांधीधाम में हूं, रोजी रोटी के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं चाहूं भी तो आपका लेक्चरर नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी एक बार, लेकिन नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी जो सत्य होती है, यदि वो करने जाओ तो घर वाले बोलते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों की क्लासेस होती है, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए यदि आप मन से पढ़ेंगे तो आप में और बीजीएमसी के लड़कों में कोई फर्क नहीं होगा। बस अब चैप्टर भी चालू हो गई। मैं अंत में दो चीजें करना चाहूंगा आप लोगों से। पहली चीज ये, पहली चीज ये, मैं तो बोली तमाम कर रहा, पहली चीज ये कि जब भी आप किसी सैनिक से रूबरू हो तो क्या करना है। इसमें ऑडियो तो शायद नहीं है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, खाली 59 सेकंड से, आप देख के फिर मैं बताता हूं। मिले तो कृपया कर ऐसा व्यवहार जरूर करना जिससे लाइट बंद रहने दीजिए, ऐसा व्यवहार जरूर करना
जिससे उन्हें लगे कि वो वाकई देश के लिए कुछ करके कुछ कमा आए हैं। कृपया लाइक करें, कृपया लाइक करें। मित्रों अपने मोबाइल निकालो, मोबाइल के अंदर टच कर हम यहां से बैठकर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरे हॉल में लाइट्स चालू होनी चाहिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये नाराज आपका हमारे उन सिकारियों को जो कि आज ऊपर से हमें देख रहे हैं। मित्रों बस अंत में इन लेनों के साथ कि हो गई वीर पर्वत से निकलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, मेरे सिंह ने मेर की तो मेरे सिंह ने मेर से की, हो कहीं बात लेकिन आप धन्यवाद।